बीते दिनों खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पवन सिंह पन्नू की ओर से एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें वो सरेआम युवा सिखों को तिरंगे के अपमान की नसीहत दे रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के जश्न से हफ्ते भर पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीते दिनों एक ऐलान करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराएंगे। क्या है खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पवन सिंह पन्नू और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बीच कनेक्शन, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। गणतंत्र दिवस के जश्न में कुछ ही समय बचा है। इसी बीच अब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को प्रदर्शनकारी लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वघोषित किसान राकेश टिकैत ने दावा किया कि इस मार्च का नजारा ऐतिहासिक होगा, जहां एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ जवान। राकेश टिकैत के इस घोषणा के ठीक दो दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 1,80,00,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवन सिंह पन्नू की ओर से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले शख्स को 1,80,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि 11 जनवरी को सिख फॉर जस्टिस ने भारत में रहने वाले ऐसे सिखों जो खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन करते हैं, उन्हें भड़काने के लिए यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा किया। उस वीडियो में पन्नू ने युवा सिखों को संबोधित करते हुए कहा कि वे लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएं और भारतीय झंडे को दिल्ली के हर कोने से हटा दें। 26 जनवरी को सिख पूरी दिल्ली में ट्रैक्टर से घूमें और हर तिरंगा हटा दें। भारत का झंडा दबाव का प्रतीक है, इसे सिख पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। भारत का हर झंडा हटाकर कुचल दिया जाना चाहिए। पन्नू ने यहाँ तक दावा किया कि अगर भारत का झंडा हटाते हुए कोई सिख गिरफ्तार किया जाता है तो उसका संगठन उन लोगों को भारत से बाहर निकालकर यूके में बसाने की व्यवस्था करेगा। प्रदर्शन के दौरान तमाम किसानों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की और खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए। पंजाब के किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के मामले में सिख फॉर जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों को खालिस्तान का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन का लालच दिया था। स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत की 26 जनवरी को दिल्ली में मार्च निकालने की धमकी से कुछ हफ्ते पहले ही इन्होंने दिल्ली को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि सरकार 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर प्रदर्शनकारियों की मांग स्वीकार नहीं करती है तो वह चक्का जाम करेंगे। इसके पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि 2024 के पहले उनकी विरोध प्रदर्शन रोकने की योजना नहीं है। ये बात लगभग सभी जान चुके हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए किसान आंदोलन पर कब्जा कर लिया है। 12 जनवरी को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।